अपने आप को उत्साहित और हर्षोदित महसूस कर रहे हैं कि खट्टा विधानसभा के खट्टा नगर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी यहाँ आए हैं। साथियों, आप जानते हैं कि विकास पुरुष के तौर पर देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के संकल्पों के तौर पर खट्टा विधानसभा एक ऐसा नेतृत्व प्रदान करेगा, एक ऐसा विकास आपको प्रदान करेगा जिसे आप देखने को, जिसे आप समझने की एक बड़ी बड़ी समझ रखेंगे। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को और जिला नेतृत्व के साथ साथ यहाँ के लोकल स्थानीय संगठन इकाई को अपना सलाम और अभिवादन व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बंधुओं, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सत्रहवीं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी बोले भारत माता की, अभिवादन करें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, दोनों हाथ ऊपर करके अभिवादन करें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी आपके लिए। अरे भाई, खड्डा वाले ऐसे बोलते हैं क्या? हैं? पूर्वांचल वालों की आवाज बुलंद होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। देखो, मोदी जी बहराइच से बस्ती जाने के लिए निकले हैं। मोदी जी को मालूम पड़ना चाहिए खट्टा में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर परिवर्तन के गुस्से की मुट्ठी भींच कर जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित माताएं बहने बैठ जाए, जरा पीछे दिखानी पड़ेगी। चलो भाई, है ओ काले चश्मे वाले, तुम भी बैठ जाओ। अरे भाई, तुम भी बैठ जाओ। बोलो भारत माता की। मंच पर उपस्थित कुशीनगर जिला के अध्यक्ष श्रीमान जयप्रकाश शाही जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई गुड्डू पांडे जी, यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान जटाशंकर त्रिपाठी जी, यहाँ के ही बड़े हिंदू नेता श्रीमान विजय दुबे जी आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, श्री विवेकानंद पांडे जी, श्री दीपलाल भारती जी, श्री सुदर्शन पाल जी, और आज के कार्यक्रम में आए हुए माताओं, बहनों, भाइयों और परिवर्तन के वाहक ऐसे प्यारे युवा मित्रों, ये उत्तर प्रदेश का जो ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, उसमें तीन चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, आज चतुर्थ चरण का चुनाव हो रहा है। मैं विगत एक साल से उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं। मित्रों, चुनाव जब मतगणना होगी तब याद रखना, इस चुनाव के बाद इस महान उत्तर प्रदेश से जातिवाद समाप्त हो जाएगा। मित्रों, समाप्त जब मतगणना होगी,
परिवार के शासन यहां से समाप्त हो जाएंगे। मैं एक साल में जहां जहां गया, पश्चिम में गया, अवध में गया, पश्चिम में गया, अवध में गया, रुहेलखंड में गया, काशी में गया, गोरख में गया और आज कुशीनगर भी आया हूं। मैंने हर जगह ऐसा जन सैलाब देखा है मित्रों। ये भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं, सुनामी है जो विरोधियों को समाप्त कर देगी। मित्रों, तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, मगर सरकार किस लिए बनानी है? ये भाई जटाशंकर को एमएलए बनाने के लिए, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, किसी को मुख्यमंत्री पद से उठाने के लिए? ना भाई ना, इस बार सरकार बनानी है पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए। मित्रों, मैं बताता हूं आपको जाकर